अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज मुताले पाकिस्तान क्लास दहम का जो सवाल है, पाकिस्तान बतौर एटमिक ताकत, पाकिस्तान बतौर एटमिक कुव्वत, ये एक ही बात है, ताकत है या कुव्वत है? तो ये बड़ा अहम सवाल है, बोर्ड में भी बार बार मरतबा आ चुका है, तो त्वजा से सुनिएगा, आपको इसका फ़ायदा होगा। हम अपने लेक्चर का आगाज करने से पहले अपने जो है वो लेक्चर का आगाज से पहले हम दुरूद पाक से करते हैं। हुज़ूर नबी करीम रहमते आलम सरकारे दो जहां शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए और दुरूद हुज़ूर नबी करीम रहमते आलम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, बतौर एटमी ताकत या कुव्वत। अच्छा, इसके ना ये जो सवाल है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर, ये जो पाकिस्तान बतौर एटमी कुव्वत है, इसकी ना हेडिंग भी बनी हुई है। देखें जरा कि आपकी जो है वो आप नजर भी आ रहा है कि ये देखें जरा कि ये सारे जितने भी है ये सारा ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी जो है ना वो मैंने हेडिंग बना ली है। अब मैं हेडिंग जो है वो बोलूंगा, ठीक है, हेडिंग मैंने लिख दी, हेडिंग नोट कर लेनी है बस। आप जो है वो मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक है, लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ तक है, ठीक है। तो तकरीबन 14 इसकी टोटल हेडिंग है और फिर मैं बताऊंगा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। हम पढ़ते हैं 1971 में, 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक्तदार संभाला तो उन्होंने कहा, अब यहां से 1971 से जहां से जो ये सवाल का बात हो रहा है, यहां से लेके जहां तक पढ़ूंगा वहां तक इसकी पहली हेडिंग होगी। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक्तदार संभाला तो उन्होंने कहा, एटमी साइंस हमारी तरक्की और दफा के लिए जरूरी है, मगर हम एटमी ताकत की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। यहाँ तक ये हेडिंग है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर, ठीक है, और अपनी बेहतर तरक्की के लिए रखते हैं, यहाँ तक ये हेडिंग है, ठीक है। आगे दूसरी हेडिंग है 1971 में, ये जो हेडिंग है पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरी हेडिंग 1971 में कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया, मगर ये मुल्की जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बढ़ते हुए सदियों की तरक्की के लिए मजीद एटमी तवानाई का हासिल बहुत जरूरी था। ये दो हेडिंग होगी दूसरी 1971 से। अब जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आपको पता है 1970 में आम इंतखाबात हुए थे और फिर जो है वो 1971 में जो है वो जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली तो उसने जो है वो देखा कि पाकिस्तान जो है एटम के लिहाज से जो है वो एक कहते हैं कि मुल्क जो एटमी कुव्वत के लिहाज से मजबूत नहीं है, तो पाकिस्तान के पास भी एटमी कुव्वत होनी चाहिए। आपको पता है कि एटम छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है, ज़र्रा होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो एटमी साइंस है, तो उन्होंने कहा था कि हम एटमी साइंस तो हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे दफा के लिए है, हमें डिफेंड करने के लिए, ताकि कोई भी मुल्क जो है वो हमें जो है वो तबाही के दराने पर ले जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम एटमी साइंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मुल्क दुनिया को तबाह कर देंगे या जो है वो जंग करेंगे, ऐसा नहीं है, ये हम अपने दिफा के लिए, अमन और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 1971 में जब जो है वो पहला एटमी बिजली घर कायम हुआ तो उसमें जो ये जो प्लान था 1971 में जो बिजली घर बना था, ये मुल्क की जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा था, तो इसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है तो इसके लिए एक और जो है वो प्लान की जो है वो प्लान का सुन किया जाए। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर जो है वो आगे और कोशिश की। अब तीसरी हेडिंग है भारत का पहला एटमी धमाका, वो भारत ने जब 1974 में, भारत ने जब 1974 में, यहां से तीसरी हेडिंग है भारत का पहला एटमी धमाका। भारत ने जब 1974 में राजस्थान के सहरा में अपना पहला एटमी धमाका किया तो वो एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया, चुनाचे पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। अब जब 1974 में राजस्थान के सहरा पे जो है वो भारत ने जो है वो धमाका किया तो वो मुल्क का जो है वो दुनिया का एटमी कुव्वत मुल्क बन गया। आपको पता है कि जब किसी मुल्क के पास एटम बम आ जाता है तो वो
क्या हुआ, तो जब भारत आर्थिक ताकत बना तो जनूबी एशिया के अंदर भारत रहता है, पाकिस्तान जनूबी एशिया के अंदर है, ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, जितने मालिक है जनूबी एशिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये मालिक जनूबी एशिया के अंदर है तो भारत जनूबी एशिया में पहला एडमिट बन गया। तो फिर इससे क्या हुआ कि भारत का दूसरे मालिक ने जो जनूबी एशिया के उन पर दबाव पड़ गया और फिर वो जो है वो भारत पाकिस्तान पर प्रेशर डालता, ठीक है, और पाकिस्तान को जरिए टॉर्चर करता। तो सुल्फकार ने उठने जब ये देखा कि भारत अब एडमिट ताकत बन गया है तो हमें भी जो है वो इसके लिए कोशिश करना शुरू करेंगे, जो कोशिश तेज करना शुरू की जाएगी। फिर सुल्फकार ने उठने जो है वो एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का शुरू, यानी कि सुल्फकार भुट्टो ने प्लांट जो है वो जहां सेटअप तैयार होता है वो प्लांट लगाने की कोशिश की। एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का शुरू, रीप्रोसेसिंग किया जाएगा एटम को, तो चौथी हेडिंग है ये गांस शुरू हो रही चौथी हेडिंग। सुल्फकार भुट्टो ने फ्रांस से एटमी प्रोसेसिंग, चौथी हेडिंग गांस शुरू हो रही है, सुल्फकार भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के शुरू की ख्वाहिश की। 1976 में दोनों मालिक में प्लांट की खरीदारी का वायदा तय पा गया। यहां तक जो है वो है एटमी प्रोसेसिंग प्लांट का रसूल, ये आपकी चौथी हेडिंग है। फिर आगे जाता है प्लांट की कुल कीमत, प्लांट की कुल कीमत ये आगे से शुरू हो रहा है, प्लांट की कुल कीमत जो है ये लिख देना, प्लांट की कुल कीमत ये यहां से पांचवी हेडिंग शुरू हो रही है। प्लांट की कुल कीमत जो है वो 40 करोड़ डॉलर में से 10 करोड़ डॉलर की रकम पहले किस्त के तौर पर अदा कर दी गई, लेकिन भारत, रूस, अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों के जवाब पसंद ना आए, चुनाचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला, ठीक है, यहां तक आएगा एटमी ताकतों के जवाब पसंद ना आए। तो जब ये भारत ने जो पाकिस्तान जब पाकिस्तान ने फ्रांस से मुआहदा किया एटमी प्रोसेसिंग प्लांट का, तो वो मुआहदा जो है वो 1976 में हुआ था, 74 में धमाके किए भारत ने, फिर 1976 में पाकिस्तान ने जो है वो भुट्टो ने जो है वो फ्रांस से मुआहदा कर लिया। 40 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है ये जो है वो कीमत है भाई, और पाकिस्तान ने 10 करोड़ डॉलर एडवांस के तौर पर रकम भी दे दी, ठीक है। जब दूसरे मालिक एटमी जो है वो जो अमेरिका भी एटमी ताकत है और जो है वो सुपर पावर भी है, तो उसने जो है वो प्रेशर डाला, ठीक है, कि पाकिस्तान को एटमी कुवत जो है वो ना दी जाए, जो है वो प्लान ना दिया जाए, तो फिर फ्रांस पर दबाव डाला, तो फ्रांस ने जो है ये मुआहदा खत्म कर दिया, ठीक है। चुनाचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला, फ्रांस का दबाव छठी हेडिंग ये आप इसे, चुनाचे फ्रांस ने दबाव, चुनाचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला, यहां से है ये छठी हेडिंग, ठीक है, चुनाचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला, छठी हेडिंग फ्रांस का दबाव, चुनाचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव जो चुनाचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान में प्लांट मुहैया ना करे, मजबूरन फ्रांस ने मुआहदे के बावजूद प्लांट की फ्रांसी रोक दिया, हालांकि जो है वो मुआहदा भी था, सॉरी यहाँ पर आएगा, पर फ्रांस पर दबाव, ठीक है। तो ये हालांकि मुआहदा था, जब मुआहदा होता है ना ये दो मालिक की रजामंदी के बगैर नहीं होता, हालांकि मुआहदा था मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर जो है वो नुकसान भी होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी ताकतों के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को प्लांट की फ्रांसी रोक दी। आगे जाता है यूरेनियम को अफसोदा करना, यूरेनियम को हासिल करना, ये 12,000 जब जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो शहीद कर दिए 1977 में जो है वो, फिर उसके बाद 5 जुलाई 1977 5 जुलाई 1977 को मार्शल लगा दिया गया जो है वो ज़िया जो है वो आ गया, ठीक है, और ज़िया के द्वारा हुकूमत में जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अच्छा एक बात याद रखिए, जो एटमी कुवत पाकिस्तान बना था 1998 में, तो जो पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाने का जो आगाज किया था वो जुल्फकार अली भुट्टो थे। अगर जुल्फकार अली भुट्टो से खावत को और बाकी लोगों को ना लेकर आता तो ये पाकिस्तान आज एटमी कुवत ना होता। तो यूं कहा जा सकता है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रख गए थे, और अमली तौर पर जो है ये काम नवाज शरीफ के दूसरे दौर हुकूमत में 1997 से 1999 तक जो है वो ये अमल में आया अमली तौर पर 1977 से 1999 को मारता सरकारी है।
यानी कि उसने कहा कि आप जो है वो पाकिस्तान जो है वो महारत जो है वो एटम यूनिट बनाने में महारत हासिल कर ली है, तो अब जो है वो पाकिस्तान एटम पर आ सकता है। इसके ऐलान होते ही 1984 में ऐलान हुआ था, ठीक है, तो अब जो है वो 1994 के बाद प्रोपेगेंडा मुहिम, ठीक है, ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है, ठीक है, तो ये यहां से देखें जरा, इस ऐलान के होते ही ये आठवीं हेडिंग, इस ऐलान के होते ही से आठवीं हेडिंग है, इस ऐलान के होते ही पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान के जो भी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी। इंग्लिश में प्रोपेगेंडा ये होता है साजिश जिसको कहते हैं, प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी। इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अमरीकी F-16 और फ्रांसीसी तैयार मिराज के जरिए मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है जो भारत के बड़े शहरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। 1989 में डॉक्टर बिल्कुल खान ने दावा किया कि पाकिस्तान में एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है, शहरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक प्रोपेगेंडा मुहिम है। 1989 में एटमी रिएक्टर, ठीक है, ये 1989 से एटमी रिएक्टर नौवीं हेडिंग शुरू हो रही है, नौवीं हेडिंग 1989 में यहाँ से शुरू हुई है। 1989 में डॉक्टर बुद्धि खान ने दावा किया कि पाकिस्तान में एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। भारत और पाकिस्तान ने अपने जो प्रोग्राम के एक दूसरे को तय करता, भारत और पाकिस्तान ने प्रेसलर तरमीम, ठीक है, प्रेसलर तरमीम, ये पॉइंट नंबर 10 भी है, ठीक है, आगे जाके पेज नंबर 50 पर आएगा तो उसमें भी है प्रेसलर तरमीम। ये जो है ना प्रेसलर तरमीम है, ये अमेरिकी सेंटर था लैरी प्रेसलर, ये नाम था, उसने अपने नाम से जो है ये पाबंदियां लगाई थी तरमीम, ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने यहाँ से प्रेसलर तरमीम 10 शुरू हो रही है। भारत और पाकिस्तान ने अपने जो प्रोग्राम भारत और पाकिस्तान ने अपने जो भी प्रोग्राम एक दूसरे से सुलझा रखा था, मगर 1974 में धमाका करके दुनिया को ताले के बैठने की कुवत है, अमेरिका ने उसके रवैया से नजरें चुरा ली थी, मगर जब पाकिस्तान ने इस मैदान में कदम रखा तो उसे प्रेसलर तरमीम की बंदियों में जकड़ दिया गया। आपको पता है कि जब 1974 में भारत ने पहला एटमी धमाका किया और भारत एटमी कुवत बन गया, और जब पाकिस्तान जो है वो एटमी कुवत बनने लगा तो दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो पाबंदियां लगाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुवत ना बने, क्योंकि दुनिया जितना चाहती है, जब एक मुल्क एटमी कुवत बन जाता है तो वो चाहता है कि दूसरा मुल्क जो है ना वो एटमी कुवत ना बने, क्योंकि वो चाहता है कि ये अगर एटमी कुवत बन गया तो उस पर हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। इसी हवाले से जो प्रेसलर तरमीम के हवाले से शायर भी क्या कहता है, जो पाकिस्तान एटमी कुवत है वो शेर किसी और तरफ नहीं ऐसी तरफ है, शायर कहता है कि हम आप भी बनते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आप भी बनते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो जब भारत ने धमाका किया उस वक्त दुनिया को कोई होश नहीं आई, और जब पाकिस्तान ने अपने धमाके करने लग गया तो सारी दुनिया जाग गई। यही तो जो है वो दो जो है वो क्या कहते हैं दो नंबरी कह लें या जो नुकसान पहुंचाने के जो है वो कह लें, तो इंसाफ नहीं था। खैर पाकिस्तान ने पाबंदियों को खातर में नहीं लाया और पाकिस्तान अपना काम करता रहा। हालांकि 1984 में जाकर पाकिस्तान अपना काम कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1998 में भारत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर से जा रहे थे, उसने भारत की बर्थडे का सिक्का जमाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में 5 एटम धमाके करके खत्ते में अपनी एटमी बर्थडे कायम करने की कोशिश की। अब जब 1998 में बीजेपी की हुकूमत आई, भारतीय जनता पार्टी जो अब है मोदी की पार्टी जो है ना भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जो उसकी थी मनमोहन सिंह की जो गांधी वाली है वो है कांग्रेस, ठीक है, तो ये उससे जब बीजेपी आया क्योंकि ये शर्मसंद जमात है और ये तशद्दुद पर ज्यादा जोर देती है, तो इसने दोबारा धमाके करने, जब दोबारा धमाके करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को प्रेशर आए दिया जाए, तो उन्होंने धमाके किए और हमारा काम बन गया, उन्होंने धमाके किए और हमारा काम बन गया। अच्छा फिर जब ये अमरीकी सदर जो है वो बिल क्लिंटन आया, ठीक है, तो अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने जो है पढ़ लेते थे फिर आपको ज्यादा गुजरेगा। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वजीर अजम नवाज शरीफ को भारतीय जाने का जवाब देने से मना कर दिया। अब यह देखें भारत का दूसरा एटमी धमाका वो
वो यहाँ से शुरू हो रहा है 1998 में से लेके कायम करने की कोशिश की भारत को साइड करने का। आगे है अमेरिकी सदन की धमकी, अमेरिकी सदन बिल क्लिंटन से अमेरिकी सदन की धमकी की जो है शुरू हो रही है। अमेरिकी सदन बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भारतीय आज़ादी के दावे से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने जवाबी धमाके किए तो उसकी 1 साल की कैद कर दी जाएगी। मगर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अमेरिकी सदन बिल क्लिंटन की बात माने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, आलमी पाव के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने वहां के इजाजत।